भाई करारा कुलचा रख दो भैया, रख दो। ये देख भाई, अब ये दूसरा कुलचा भी आएगा, रख दो जी। लो दोनों आ गए भाई, पूरा डूबा हुआ कुलचा है, छोले के अंदर डूबा हुआ कुलचा, एकदम मज़ेदार भाई। अमृतसर की याद आ जाएगी, और गर्मा गर्म। अब चलते हैं और तंदूरी लगवाते हैं, शिखा मनमीत खाएंगे। ये लो भाई, ये इस पर भी लगा दिया, ठीक है जी। और अब बताऊँ लोकेशन क्या आता है, और ये क्वांटिटी इनफ है, एक बंदे का पेट भर जाएगा। अमृतसरी तंदूरी कुलचा, तवा भटूरा, तवा कुलचा, तवा बटर कुलचा, भीगा कुलचा, आटा बटर कुलचा, चावल छोले, स्पेशल स्वीट लस्सी, सॉल्टेड छाछ। भाई गुड़गांव में इतना सब कुछ, गुड़गांव में? जी हाँ भाई, क्योंकि आपके फेवरेट प्यारे लाल जी आ गए हैं गुड़गांव में। कहाँ पर आए हैं जी? प्यारे लाल अमृतसरी। और आपने तो खाया होगा इनका भीगा कुलचा, इतना फेमस है, जो कि इनकी दुकान थी छतरी वाला वहाँ पे पार्क में। तो आज हम खाएंगे गुड़गांव के अंदर बढ़िया सा, और स्विगी जोमेटो पे भी अप्लाई कर रखा है, तो जैसे ही अपडेट हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा स्विगी जोमेटो पे भी। तो भैया चलते हैं और दिखाते हैं आपको गुड़गांव में अमृतसरी कुलचा कैसे लग रहे हैं, और ये भीगा कुलचा स्पेशली जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। चलिए तो भैया अब हम बनवाते हैं कुछ बढ़िया सी चीज़। देखो मसाला छाछ भी है इनके पास, पान लस्सी भी है इनके पास, मैंगो लस्सी भी है, ब्लैक करंट सारी, मतलब केसर लस्सी भी है। तो पहले तो भाई लस्सी तो बाहर नहीं पी लेंगे, पहले हम ज़रा कुलचे बनवा लें। आ जा एक बार दिखा दे भाई दोनों को, ये वही दोनों हैं जो दिल्ली में मतलब कि अपनी शॉप चलाते हैं, कोई आगे फ्रेंचाइजी नहीं बांटी, इनकी अपनी दुकान है। तो ये इनके दोनों बेटे, अब बनवाते भाजी बनवाएं। आ जाओ भाई दिखाते आपको क्या क्या मिलता है। ये देखो जी, ये टेक अवे हो गया है, और ये रहे हमारे प्यारे लाल जी। और बनाओ सर, पहले बात तो मुबारक द्वारका तो सी गुड़गांव से दुकान खोल लेती है यार, धन्यवाद जी, शुक्रिया। चलो जी ये देखो सेटअप इतना प्यारा है, बढ़िया। तो अब बनेगा जी हमारा भीगा हुआ कुलचा एक्चुअली में, ये देखो कैसे बनता है भाई। गुड़गांव के लोग जो मिस करते हैं दिल्ली का फूड ना, स्पेशली भीगा कुलचा, नाउ यू कैन हैव इट। क्योंकि कहाँ पर रहेंगे मैं आपको लोकेशन बता दूँ ना, अगर मैं तो वेस्ट इन गुड़गांव जो होटल है उसके जस्ट ऑपोजिट में आपको शॉप मिल जाएगी। और ये गया जी 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के लिए। और ये देखो सिरके वाले प्याज हैं, ये मिर्ची का प्याज, मिर्ची का, आम का, गाजर का। और आपको अगर आटे वाला कुलचा लेना है तो ऑप्शन आटे वाले कुलचा का भी है, वो भी आपको मिल जाएगा। दुकान इतनी बढ़िया बना रखी है, नई दुकान है कि कितने दिन, कितना टाइम हो गया? 2 दिन हो गए। 2 दिन? तीसरा दिन। क्या बात है। तो अब देखेंगे भाई हम कि भीगा वो कुलचा खाएंगे यहाँ पे, अमृतसरी कुलचा खाएंगे, और इनका तवा भटूरा। अब ये हो गया जी तैयार, ये देखो भाई पूरा डूबा हुआ कुलचा है, छोले के अंदर डूबा हुआ कुलचा, एकदम मज़ेदार भाई। अमृतसर की याद आ जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ आपको मैं, कोई इसमें क्या क्या ऑयल नहीं है, घी तेल लहसुन प्याज में, घी तेल लहसुन प्याज कुछ भी नहीं है। प्याज ऊपर से डलवाना चाहते हो तो वो ऑप्शन है, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये लो भाई, ये पूरा एज इट इज़ आपको मिलेगा, ये प्याज का ऑप्शन है। हम खाते हैं तो डलवा रहे हैं, और ये डल गया जी इनका चटनी, परफेक्ट। तो ये हो गया जी हमारा भीगा कुलचा। आप बनवाते हैं इनका तवा, तवा भटूरा, और मेन तंदूरी कुलचा जो सा ना इनका, वो बहुत बढ़िया है। ये सैलेड है जी, जो खुद ही बनाते हैं हम। ये इनके सिरके वाले प्याज हैं, अदरक है, सिरके वाली मिर्च, मिर्ची, आम का अचार, सीजन के हिसाब से आम का अचार या मूली का अचार। अच्छा, और लास्ट में जी गाजर। तो ये एज इट इज़ आपको मिलेगा यहाँ पे। ये कितने रुपए की प्लेट है जो लगाई है? ये 70 की है यहाँ पे जी, 70 रुपए की है, जिसमें एक भटूरा, जिसमें एक कुलचा आता है, और ये क्वांटिटी इनफ है, एक बंदे का पेट भर जाएगा। जिसको छोले दोबारा चाहिए दोबारा भी मिल जाएंगे, परफेक्ट। दोबारा के चार्जेस नहीं लगते हम, ठीक है जी। अब हमने इसी छोलों के साथ तवा कुलचा है वो लेते हैं, और इनका तंदूरी कुलचा लगवाते हैं। तो ये देखो भाई इनके, ये है जी तवा भटूरा, ऐसे आपको एग्जैक्टली सेम अमृतसर में मिलेंगे, क्योंकि डीप फ्राइड नहीं होते इनके, ये हल्का सा फ्राई करके निकाल लेते हैं, और उसके बाद बाकी तवे पे पकते हैं ऐसे गर्म करके। इसके अंदर आलू की स्टफिंग होती है ना, इसमें आलू की स्टफिंग होगी। एक प्लेट में दो होते हैं, एक प्लेट में ये दो होंगे, परफेक्ट। अब मन्नी काम करते हैं, तंदूरी लगवाते हैं और फिर करते हैं सबकी टेस्टिंग एक साथ। तो ये लग गई भाई हमारी प्लेट गर्मा गर्म। अब चलते हैं और तंदूरी लगवाते हैं और करते हैं टेस्टिंग तीनों की एक साथ। तो ये देखो भाई, ये लग रहे हैं हमारे अमृतसरी कुलचा, जो कि तंदूरी कुलचा इनका। ये 140 रुपये के दो आते हैं,
ये आलू की स्टफिंग है जिसको स्टफ किया जाएगा इसके अंदर। भाई मतलब गुड़गांव वालों की तो ऐश हो गई भाई, दिल्ली आने की जरूरत नहीं है अब आपको, अब आप यहीं पर बैठ के खाओ बढ़िया से, अमृतसर का टेस्ट लो। मैं आपको लोकेशन आपको मैं दिखाऊंगा पूरी की, वेस्टर्न गुड़गांव दिखाऊंगा, जो इनका होटल है उसके जस्ट ऑपोजिट में आपको दिख जाएगा। नहीं तो मैं बताता हूँ कौन सी, मैं जिस टावर में खड़ा हूँ, उसका नाम है ABW टावर, ABW टावर है, उसी के अंदर ही आपको ये शॉप दिख जाएगी। ये लो जी स्टफिंग हो गई है, अब ये लगाते हैं। अच्छा ये तंदूर भी बताता हूँ, कोयला यूज़ नहीं होता है, ये गैस वाला तंदूर है ना भैया, नमाज भी पहन रखा कितने लगाना? दो लगाओ बस, दो टोटल, एक प्लेट। ये लो जी परफेक्ट, मतलब भाई मतलब मैं कह रहा हूँ मौसम इतना बढ़िया चल रहा है आजकल दो दिन में, अभी थोड़ी गर्मी दोबारा हुई है, अदरवाइज़ तो सुपर गुड है। अब यहाँ पे आओ, स्टैंडिंग टेबल्स लगे हैं, इन्जॉय करो और हमें बताना कि कैसा लगा आपको अमृतसरी कुलचा, प्यारे लाल जी का स्पेशल अमृतसरी कुलचा कैसा लगा। ऐसा भीगा हुआ कुलचा आपको दिल्ली में और कहीं नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ मैं। इसमें लहसुन प्याज वगैरह कुछ भी नहीं है? ना लहसुन है, ना प्याज है, ना ऑयल है, ना घी है, छोलों में कुछ भी नहीं है भाई, ट्राई करना। और दूसरी चीज़, आटे का कुलचे का भी ऑप्शन है। तो ये देखो भाई, ये लग गया है और ये धीमी आंच पे पकेगा, क्योंकि ना इसको सुपर क्रिस्पी चाहिए, क्रिस्पी तभी निकलेगा जब धीमी आंच पे पकेगा। अब इसे निकाला जाएगा, ले आओ भैया। भाई मतलब मज़ा आ गया गुड़गांव वालों का, एक पूरा एकदम बढ़िया से लाल किया जा रहा है। ओ हो भाई करारा कुलचा, रख दो भैया रख दो। ये देखो भाई, अब ये दूसरा कुलचा भी आएगा, एकदम सुपर क्रिस्पी करारा लग रहा है, आप देख सकते हो क्या बढ़िया तरीके से तंदूर के अंदर पका है, मज़ेदार। और ये देखो जी अमूल का बटर हमारा, रख दो जी, लो दोनों आ गए। अब लोकेशन मैं आपको बताऊँ ना, एग्जैक्ट लोकेशन मैं बताता हूँ, देखो पहले ये देखो, हाँ अमूल का बटर से ब्रश करो, दूसरा वाला भी ले लो, अमूल बटर है भाई, कलर ही दिख रहा है इतना बढ़िया, तो ये इस पर भी लगा दिया, ठीक है जी। और अब बताऊँ लोकेशन क्या है, ये देखो भाई वेस्टर्न गुड़गांव, उसके जस्ट ऑपोजिट में आपको मिलेगा ये प्यारे लाल जी अमृतसरी वाले, और मज़ेदार कुलचे। अब करते हैं हम टेस्ट और आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है, करो भैया चूर चूर करो, और सुपर गुड। ये हो गया जी हमारे कुलचे तैयार, अब चलते हैं और आपको टेस्ट कर बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। तो ये देखो भाई, टेबल मेरा आ गया है, खाने से भर गया है, और ये है जी भाई इनका अमृतसरी कुलचा, तंदूरी कुलचा, और दो पीस आएंगे, आलू की स्टफिंग है इसके अंदर, साथ में छोले दिए हैं, रायता दिया है, चटनी है वो खट्टी मीठी चटनी प्याज वाली, ये है भाई वो मेन चीज़ जिसके लिए एक्चुअली में लोग इनकी दुकान पे आते हैं, जो है भीगा कुलचा। ये है जी इनका तवा भटूरा, ये डीप फ्राइड नहीं है, ये एक बार फ्राई करके निकाल लिया जाता है और बाकी उसके बाद तवे पे गर्म किया जाता है। तो करे टेस्ट भाई, तो करते हैं भाई टेस्टिंग, पहले तो मेरे को यही देखना है क्योंकि काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या है कि इन्होंने स्विगी और जोमेटो पे अप्लाई तो कर दिया है, अगर आप चेक करोगे अगर नहीं आ रहा तो क्या करो, फ़ोन नंबर दिया है स्क्रीन पे, आप कॉल कर सकते हो, थोड़े टाइम के लिए ये डिलीवरी दे रहे हैं आपके घर पे गुड़गांव में, फ़ोन करके ऑर्डर कर सकते हो अगर स्विगी जोमेटो पे नहीं मिल रहा। तो ये आजा मनी, ये देख ये रहा भाई बाइट, एकदम खस्ता भाई, मतलब मज़ा आ गया। मुझे नहीं पता कि गुड़गांव में ऑप्शन है या नहीं है, बट भीगा कुलचा तो नहीं है। ये देख इनके पास फ्लेवर्ड लस्सी भी है पान वाली, इनके पास छाछ भी है, इनके पास लस्सी नॉर्मल मीठी वाली भी है, तो वैरायटी भी बहुत है। छोटी सी शॉप आप देख सकते हो, पर मज़ेदार है, आप देखोगे तो भाई मज़ा आ जाएगा आपको जब भी यहाँ पे आओगे। ABW टावर है ये, वेस्टर्न गुड़गांव वोरा पीछे मेरे, उसके जस्ट ऑपोजिट में आपको दिख जाएगा। बहुत बढ़िया, मैं ये लास्ट बाइट ले रहा हूँ, बाकी उसके बाद शिखा मनमीत खाएंगे। ये लो भाई, सेम वही टेस्ट है, बनाने का तरीका, ऑनर सब कुछ सेम है,
ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइजी बांट दी आगे, नहीं, पर वही ऑनर है, वही ऑनर अपना आगे दे रहा है। तो कभी भी आप यहाँ पर आए ना, ये चीज़ ट्राई करना, नंबर स्क्रीन पे आ गया है, गुड़गांव में रहते हो तो आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा जब तक कि स्विगी जोमेटो पे नहीं आता। मिलते हैं आपको जल्दी से एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, बाय बाय।